भाई मैं बाबू द इंटरनेशनल किलर ओह तो वो इंडिया आया हुआ है हाँ मैडम बाबू इंडिया आया हुआ है और मुझे यकीन है मैडम कि सुहानी पर जो भी हमले हो रहे हैं ना वो भी कोई और नहीं बाबू ही कर रहा है तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो मैडम बाबू की एक अलग सी स्टाइल है वो कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाता नहीं है हमेशा किसी ना किसी भेस में या फिर मास्क पहनकर रहता है इसका मतलब उसकी कोई पहचान नहीं राइट मगर अपन कहता है मैडम यही तो उसकी पहचान है हा? और इस बार उसने एक मास्क पहना है एक डरावना सा मास्क हाँ राजा मैंने देखा था उस दिन सुहानी को पार्टी में जो चिट्ठी मिली थी उसमें ठीक ऐसा ही एक नकाब बना हुआ था हाँ और उसी नकाब के जरिए हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं राजा ही इज अ डेंजरस किलर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती है जाएगी जान जाएगी लेकिन पहले उसकी जान लेकर तौबा 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 मैडम मैडम जान तो लेने को मना किया है सुहानी ने सुहानी ने मना किया लेकिन क्यों आखिर सुहानी को उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों है अरे मैडम ये सुहानी है ही जैसी जानते हो क्या बोलती है वो जो किलर है ना उसकी शक्ल उसके भाई राजीव से मिलती है अब बताइए वो शाना अगर चाहे ना तो अब उसकी जान भी ले सकता है और ये सुहानी उस पर आज भी नहीं आने देगी मैडम तुमको क्या बोलूं मैं अभी कल तो मेरे हाथ भी लग गया था मैडम वो लेकिन ये सुहानी की वजह से भाग गया सुहानी की वजह से व्हाट यू मीन ओ मैडम इतना बड़ा रामपुरी लेके आया था इतना बड़ा अरे मैंने और मेरे पंटर ने तो उसको घेर भी डाला था लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुहानी बीच में आ गई और भगा दिया उसको आखिर सुहानी उसे क्यों बचाना चाहती है सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल राजा मुझे बाबू चाहिए जिंदा हर हाल में जिंदा मैं भी तो देखूं आखिर उस बाबू की असली सूरत क्या है अब तुम पैसा जमा करा दो आपका काम हो जाएगा अगर दाम आप हमारे हिसाब से दोगे तो काम आपका आपके हिसाब से होगा ठीक है मैं आपको बाद में फोन करता हूँ बाबू काम हुआ तुमने सुहानी का कत्ल किया या नहीं बाबू आज संजना गुजराल आई थी उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है बाबू तुम बोलते क्यों नहीं तुमने ये काम किया या नहीं नहीं क्यों बाबू क्यों तुमने ये काम क्यों नहीं किया मेरा मूड नहीं था हमारा धंधा मूड से नहीं मौत के सौदे से चलता है बाबू जैक्सन मैंने सौदा करना छोड़ दिया है हमने इस काम का एडवांस लिया है बाबू लौटा दो एडवांस बाबू ये काम नहीं करेगा हमारे धंधे में सुपारी लौटाने का कोई उसूल नहीं है बाबू जिस काम में मेरा दिल ना लगे वो काम करना मेरा उसूल नहीं है जैक्सन अगर तुमने सुहानी का कत्ल नहीं किया तो मैं खुद अपने हाथ से सुहानी का कत्ल करूंगा जैक्सन सुहानी पे आंख भी मत उठाना मैंने उसकी जिंदगी बख्श दी जुबान नहीं मैडम बाबू सिर्फ हाथ चलाता है बंद करो बकवास अब तक तो सिर्फ तुम अपनी जुबान चलाते आए हो तुम ना बस मैडम ये तुम्हारे और मेरे बीच की हद है और इस हद को पार करने की कोशिश मत करना मुझे तुम्हारी हद पार करने का कोई शौक भी नहीं है समझे तो बेहतर होगा तुम भी अपने हद में रहो और मुझे भी अपने हद में रहने दो और जहां तक सुहानी का सवाल है आज के बाद अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो उसे बाबू का सामना करना होगा
एक मिनट मैडम, एक मिनट। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए अभी इसी वक्त। रुपए आपको मिल जाएंगे मैडम, लेकिन जैक्सन के लिए रुपयों से बड़ा है उसके धंधे का उसूल। धंधा? तुम्हारा धंधा, तुम्हारे उसूल मैं देख चुकी हूँ। लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ठगना, यही धंधा है तुम्हारा। ये हमारे धंधे को गाली देने जैसा हुआ मैडम। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा इंटरनेशनल किलर बाबू। मैंने सुना था तुम लोग बातों और इरादों के बहुत पक्के होते हो, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे उस बाबू ने सुहानी को मारने से इनकार कर दिया। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम, आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या बात है उस लड़की में जो एक खूंखार जानवर इंसानियत की बातें करने लगा? माय फुट इंसानियत, मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए बस अभी इसी वक्त। मुझे एक मौका और दीजिए मैडम, बाबू जैसे कितने हथियार जैक्सन के पास भरे पड़े हैं। एक हथियार मिस फायर हुआ तो क्या हुआ? मेरे पास एक और खतरनाक हथियार मौजूद है। सुहानी की मौत की तारीख मैं उस हथियार से लिखूंगा। थैंक यू, थैंक यू। सुहानी, कम ऑन सुहानी, चेयर अप। सुहानी, मुझसे तुम्हारा ये उदास और मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। मैंने भी उसे बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा है कि मुझसे भूलते नहीं भूलता। आई अंडरस्टैंड। आखिर तुम पे इतने हमले हो चुके, उस डरावने चेहरे को भुलाना इतना आसान नहीं है। किसी को मैं कैसे बताऊं कि वो चेहरा मेरे लिए डरावना नहीं, बल्कि वो चेहरा तो मैं इसलिए नहीं भूल पा रही हूँ क्योंकि उस चेहरे में मैंने मेरे भैया की परछाई देखी है। सुहानी, क्या हुआ सुहानी? कुछ नहीं। Are you okay? Yeah. सुहानी, एक बात कहूँ? देखो सुहानी, मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी इस दोस्ती के रिलेशन ने मुझे कितना अधिकार दिया है। एंड आई एम नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर्स, लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर ये कौन लोग हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं? जी देखो सुहानी, मैं जानता हूँ कि आज मैंने अपनी दोस्ती की लिमिटेशंस को क्रॉस किया है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। I'm really concerned for you. मैं तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, उसे बांटना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं किए जाते, और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो अकेले ही लड़ी जाती हैं। खासकर वो लड़ाई जो तुम जैसी खुददार लड़की लड़ रही हो। फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूं, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है। वो बात अलग है कि इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो क्या? लेकिन इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। एक बार तुमने कहा था, लेकिन इस बार मैं कहता हूं। वो बात अलग है कि हम एक दूसरे के साथ अब काम नहीं कर रहे, लेकिन हम एक दूसरे की खुशियों में दुखों में शरीक हो सकते हैं। इतना अधिकार तो मुझे जरूर है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मांगे नहीं जाते। एक दोस्त का उस पर हक होता है, और अगर हम दोस्त हैं तो हमारी खुशियों और दुखों में शामिल होना, ये तो हमारा हक बनता है ना?
सुहानी सहाय करण धनराज के साथ, वो भी इतने करीब। क्या तुम सही कह रही हो रमोला? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैम, मैंने खुद उन दोनों को साथ साथ देखा है। शक तो मुझे भी था, लेकिन करण धनराज जैसा लड़का सुहानी के पीछे इतना पागल होगा मैंने सोचा नहीं था। मैम ही इज फ्लर्ट, लड़कियाँ उसकी कमजोरी हैं, और दिव्यानी और सुहानी ने मिलकर करण धनराज की इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। यू आर राइट रमोला, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देवयानी चौहान और मेरे कोटेशन में सिर्फ 1 रुपए का फर्क आएगा। इसमें जरूर किसी की चाल है, और इस साजिश को अंजाम दिया है सुहानी ने। मैं जानती थी कि हमारे कोटेशन लीक होंगे, और ये काम सुहानी ने ही किया है। सुहानी ने ही करण के जरिए देवयानी चौहान को ये कोटेशन दिए और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की। मैं यूनिकॉर्न मीडिया पर केस करूंगी, करण धनराज को कोर्ट में खींचूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैम, कोर्ट में जाने के लिए गवाह की ज़रूरत पड़ती है, सबूत की ज़रूरत पड़ती है, और ये सबूत हमें दिव्यानी चौहान के लेफ्ट और राइट हैंड से मिल सकता है। देवयानी चौहान का लेफ्ट और राइट हैंड? यस मैम, मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा दोनों नहायत ही बेवकूफ किस्म के लालची इंसान हैं। अगर ये लोग हमारे हाथ लग गए तो हमारा काम हो जाएगा। ओह, मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा, हेलो जैक्सन, ये आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? चुपचाप चलते रहो। देखिए, मेरे साथ चुपस्ती का सिर्फ एक आदमी है, और उसका नाम है मिस्टर वर्मा, जिसे आप छोड़ आए हैं। अगर उसे आप साथ ले आते ना, तो हम आपका काम तमाम कराते हैं। पहले तुम्हारा काम तमाम कर ले, फिर उसके बाद उसका भी कर लेंगे। चलो। आप सर पे टोपी होती तो टोपी गिर जाती है। ये गेंडे हट्टे कट्टे मुस्टर्ने इंसान ने मुझे इतना जोर का धक्का मारा, और मुझे मालूम होता कि वो आपके पास लेके आ रहा है, तो मैं ये खामखा टेंशन नहीं लेता। फोन कहाँ है? किसे फोन करना है आपको? अरे वही मिस्टर वर्मा, जिसे आपसे मिलने का बहुत शौक है। उसे भी बुला लेंगे, अगर आपसे काम नहीं हुआ तो हम उसे बुला लेंगे। ऐसा कौन सा काम मिस्टर वर्मा कर देंगे जो मैं नहीं कर सकता? अरे मैडम, मिस्टर वर्मा हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करते हैं। मिस्टर शर्मा, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया, मुझे पता है आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे करना क्या है? आपको मेरा सिर्फ छोटा सा काम करना है। आपको ये पता करना है कि मेरे और देवयानी चौहान के कोटेशन में 1 रुपए का फर्क आया, वो कैसे आया? मैडम, मैं ये नहीं बता सकता, ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, मिस्टर वर्मा ने तो मुझे बता दिया है। मिस्टर वर्मा? अरे वो क्या बताएगा, वो सब गलत बताएगा। जी, मुझे मिस्टर वर्मा ने बताया है। मुझे मिस्टर वर्मा ने बताया कि देवयानी चौहान को इस कोटेशन के बारे में सुहानी सहाय ने इन्फॉर्मेशन दी थी। गलत, बिल्कुल गलत। वो मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं बता सकता। और रहा सुहानी मैडम का सवाल, तो सुहानी मैडम ने साफ इनकार कर दिया था। तो दिव्यानी मैडम ने करण धनराज के सेक्रेटरी सनम से ये काम करवाया था। देखिए मैडम, टॉप सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं दिव्यानी मैडम के लिए वफादार हूँ। गद्दार नहीं। आपकी वफादारी मैं देख चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
ओहो, तो ये काम सनम मैडम का है। इस आदमी को देख रही हो तुम? बचपन से लेकर आज तक इसकी जुबान से इतने लफ्ज नहीं निकले जितनी इसकी पिस्तौल से गोलियां निकल चुकी है। और तुम जैसी नाजुक जान को मारने के लिए सिर्फ एक गोली काफी है। कितने रुपए दिए तुम्हें दिव्यानी चौहान ने? तुम खुद तय करो, जान की कीमत ज्यादा है कि उन रुपयों का वजन? मुझे कुछ नहीं मालूम। रॉबर्ट, मैं सब कुछ बताती हूँ। दिव्यानी चौहान, दिव्यानी चौहान क्वीन इंटरनेशनल की कोटेशन की फोटोकॉपी चाहती थी ताकि वो अपने कोटेशन क्वीन इंटरनेशनल के मुकाबले ज्यादा करके दिखा सके। मुझे इस काम के लिए दिव्यानी चौहान ने मुझे 10 लाख रुपया दिए थे। ये 10 लाख अब भी मेरे घर में कैश पड़ा हुआ है। मेरे कैंसर के केबिन में जाकर ये कोटेशन दिव्यानी चौहान के हवाले किया। इसी के बेसिस पे दिव्यानी चौहान ने यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। मिस सनम, इस बात को आप मानती है? जो कुछ ये टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है ये बात सच है? जी हाँ। मिस सनम, इस काम में आपके साथ और कौन कौन शामिल है? जी कोई भी नहीं। मिस दिव्यानी चौहान, आपको इस बारे में कुछ कहना है? अगर किसी का स्टेटमेंट हमें गलत साबित करने के लिए काफी है तो मैं समझती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मिस सनम ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है? हो सकता है कि क्या मतलब? मिस्टर करण धनराज, आपके ऑफिस स्टाफ में से किसी एक ने मेरे कोटेशंस चुरा कर किसी और के हाथों बेच दिया। इतनी बड़ी साजिश, इसके लिए आपकी कंपनी जिम्मेदार है मिस्टर करण धनराज, आपकी कंपनी। Anyway, हमारी कंपनी के स्टाफ ने जो गलती की है उसके लिए मैं सबसे माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। सनम ने अपनी गलती कबूल कर ली है इसलिए पुलिस केस नहीं होगा। बट सनम, यू आर डिसमिस्ड, यू मे लीव। बट मिस्टर करण, इस इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जिसे देवयानी चौहान ने धोखे से हासिल किया है? लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं मिस देवयानी चौहान के स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। सिर्फ सनम के कह देने से हम मिस देवयानी चौहान पर उंगली नहीं उठा सकते। बाय द वे, कॉन्ट्रोवर्सी इज कॉन्ट्रोवर्सी एंड वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी। इसलिए मिस देवयानी चौहान को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे नन एंड वॉइड का करार दिया जाता है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर डिजिट्यूब।